गाइस, एक स्टोरी वीडियोस के पीछे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करना हर बार भूल जाते हो, तो इस बार जरूर सब्सक्राइब करके जाना। एंड गाइस, वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सर, कुछ दिनों से हमारे बरमुदा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पता नहीं चल पा रहा है ये सब कर कौन रहा है। कैसी दिक्कतें आ रही हैं हमारे होते हुए हमारे शहर में? सर, यही कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जैसे कि कभी पानी ख़राब हो जाता है, कभी बिजली के तार गिर जा रहे हैं। ऐसा कोई करने वाला भी नहीं मिल रहा, और खुद से तो ये कभी हो नहीं सकता। सर, एक बहुत बड़ी बात है सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सर, पता है हमारे बरमुदा में मालिक, हमें बचा लो मालिक, हमारी मदद करिए मालिक। सर, मेरी मेरी बात सुनिए, बहुत ज़रूरी है। इनसे ज़रूरी कुछ नहीं, पहले मैं इनको देखता हूँ। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? मालिक, बरमुदा में कुछ लोग आए हैं, वो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये तो हमें भी नहीं पता मालिक, मैं भी इसके बारे में बता रहा था आपको। बरमुदा में कुछ लोग आए हैं और वो जल्द ही यहाँ पे आने वाले हैं। कौन है जो सीधा मुझसे मिलने आ रहा है? सर, वो अपने आप को बहुत बड़ा विलन समझता है सर। मालिक, हमें आप बचा लो, हमारी मदद करो, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी मदद करो। आप लोग चिंता मत करिए, मेरे होते हुए बरमुदा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। मिस्टर अभिमन्यु, सही पहचाना, माई शेल्फ दयावन। द अपकमिंग किंग ऑफ बरमुदा। कौन हो तुम, और इतनी जल्दी बरमुदा को अपना बनाने के सपने कैसे देखने लगे? तुम्हें पता नहीं है क्या, इस बरमुदा को जीतने के लिए तुम्हें किससे जीतना होगा? उन सब की तैयारी करके आया हूँ मैं, आप चिंता ना करिए मिस्टर अभिमन्यु, ये बरमुदा भी लूँगा और आपकी गद्दी भी। ओपन चैलेंज कर रहे हो सामने आके? ओपन चैलेंज ही समझ लो, डिफेंड करके दिखाओ मेरी गैंग को। जल्द ही मिलते हैं, यहाँ पे ये झंडा गाड़ के जा रहा हूँ, समझ लेना ये झंडा तुम्हारे दिल में गाड़ा है। इन छोटी छोटी धमकियों से मैं नहीं डरता, और ये जो बच्चों वाला काम है ना कि झंडा गाड़ के जा रहा हूँ, अगर दम है तो मार के मेरे सीने में गाड़ना, ये धरती पे गाड़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी ये बरमुदा की धरती है, इतना तो सही लेगी। मिलते हैं जब तुम्हारा टाइम हो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई ताकत के साथ। मालिक, आपने बोला क्यों नहीं, दो मिनट में मार के धरती में गाड़ देते साले को। नहीं, उसे कमजोर समझने की गलती मत करो, उसके में दम है, वो सामने से आके लंकार के गया है। आप लोग चिंता मत करिए, मेरे होते हुए बरमुदा को मेरे से कोई नहीं ले सकता, चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, बरमुदा हमेशा सुरक्षित रहेगा। आप चिंता मत करो, आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, बाकी ये काम मेरा है, मैं संभाल लूँगा। पर सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि यह बहुत ताकतवर था? उसकी बात करने का अंदाज, आंखों में आंखें डाल के कर रहा था वो बातें मुझसे, उसको मेरे नाम का खौफ नहीं था, उसको खौफ बनाना होगा। पर सर, अब हम करेंगे क्या? वही जो हमेशा करते आए हैं, अपने बरमुदा की रक्षा। तुम दोनों जाके बाकी की चीज़ें पता करो, और तुम दोनों एक काम करो, तुम जाके इसके बारे में सारी डिटेल निकालो कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, और इसको इतनी ताकत मिली कहाँ से, क्योंकि इतनी ताकत बरमुदा में मेरे अलावा किसी के पास नहीं है, यानी ये बरमुदा का रहने वाला नहीं है, ये कहीं और से आया है और बरमुदा को हड़पने के सपने देख रहा है। इसका ये सपना भी टूटेगा, इसकी ताकत भी और इसका गुरूर भी। तुम लोग जाके सारी चीज़ें पता करो कि कौन है ये, इसका असली नाम, पता, जगह, कहाँ से आया है, किस लिए आया है। ठीक है सर, हम पता करके आते हैं। आज किसी ने अभिमन्यु को चैलेंज किया है। मालिक, अगर हम इसी तरह से रुके रहे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, हमें जल्दी से जल्दी अभिमन्यु को मार के इस बरमुदा को लेना होगा,
अब आप बताइए हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें तो पता है कि ये बरमुदा बहुत ही ताकतवर है। तुम लोग चिंता मत करो, अपने आदमी को भेजा है, वो सब पता करके आएगा। लो आ भी गया। मालिक, मेरे हिसाब से अगर बरमुदा को कब्जा करना है तो लोगों के दिलों पर नाच करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने राजा से। अगर उसे हमने मारने की कोशिश की तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, आप बोलें तो मैं आपको बताऊं। इसमें पूछने की बात क्या है, तुम जो बोलोगे वैसा ही होगा। तो सुनिए मालिक, हमें अपनी गैंग को छोड़ के उसकी गैंग में ज्वाइन होना होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि हमें उनके आदमियों को मार के उनका रूप लेना है, और उसके बाद, समझ गए ना? ठीक है मालिक, हम ये काम करके जल्दी ही जल्दी आएंगे। बहुत बढ़िया, ये काम तो बहुत सही है। बाकी की प्लानिंग बताओ। ठीक है सर, बाकी की प्लानिंग भी कुछ यूं ही है, हमें उन्हें मारना है और बाकी उसके बाद हमें। अरे आप लोग यहाँ बोलिए, क्या जरूरत आन पड़ी हम गांव वालों की? हमें सारा सामान दो और यहाँ से 9-2-11 हो, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे दिन खत्म हो गए, अब कोई और राज करने वाला है। अभिमन्यु सर ने कहा है कि जब तक अब हम लोग यहाँ थे तब तक सब कुछ सही था, अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है, अब तुम सबको मारेंगे हम। और सारी चीजें भी लूट लेंगे तुम्हारी, क्योंकि अब हम यहाँ से जल्दी ही लौटने वाले हैं। पर अभी मनुष्य ऐसा तो कर ही नहीं सकते। अरे साले, तू यहाँ कैसे आ गया? तुम हमारे गांव वालों को मारोगे और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अभिमन्यु ने तो अपना रंग ही बदल दिया, उसे जैसे ही पता चला कि गद्दी बदलने वाली है उसने तो इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। दयावन के आदमी आपकी हमेशा मदद करेंगे, ये तो अभी हमने इन्हें भगा दिया, अगर हम नहीं होते तो अभिमन्यु के आदमी आपको पूरा लूट लेते। आपको खुद चुनना है, अभिमन्यु या दयावन, क्योंकि अभिमन्यु का रंग तो आप लोगों ने देख लिया। इंतजार करूँगा आप लोगों की रिप्लाई का, जल्दी ही मिलते हैं, क्योंकि दयावन आप लोगों के साथ खड़ा है, और अगर अभिमन्यु चाहे तो आप लोगों को कभी भी मार सकता है। ज़रूरत पे याद करना, हम आपकी मदद करने ज़रूर आ जाएंगे। और हाँ, अपना कीमती समय हमारे लिए ज़रूर बताना कि आपको दयावान चाहिए या वो अभिमन्यु जो आप लोगों को मारना चाहता है। सर, इनका के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका है, पता नहीं चल रहा ऐसा हुआ क्या है। मैं समझा नहीं, लोगों के मन में मेरे लिए गुस्सा? 15 साल से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिमन्यु, तुमने ठीक नहीं किया, हमने तुमसे बहुत उम्मीदें रखी थी, अगर आज दयावन नहीं आता तो तुम तो हमें मार ही डालते। मैं तुम्हें मार डालता? मैं कुछ समझा नहीं। आप सबको जान के भी अनजान मत बनिए, हमें सब पता है आप हमें मारना चाहते हो अब, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आप गद्दी पलटने वाली है, आप बरमुदा से भागने वाले हो। पर आपको इसे किसने बोला? हमारे नए मालिक दयावन ने। मिस्टर अभिमन्यु, बोला था ना सब कुछ ले लूंगा। यह बरमुदा भी मेरा होगा और तेरी गद्दी भी। और तूने क्या बोला था, मेरा गुरूर तोड़ेगा? तोड़? अभी तू कुछ नहीं कर सकता, ताकत भी मेरे पास है और गांव वालों का प्यार भी। आजमा के देख लिया ना दयावन को, दयावन कोई छोटा मोटा ताश नहीं था। जो हवा से भी उड़ जाए, दयावन दयावन है। और हाँ, तुझे भी सब कुछ अजीब लग रहा होगा कि अचानक हुआ कैसे,
साइड में आ, सब बताता हूँ। बोल क्या किया है तूने मेरे लोगों के साथ? वही जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। इन लोगों का प्यार लेना है ये तो मुझे पता था, क्योंकि अगर ये तेरे साथ तो बरमुदा मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो सुन, तुमने तो सुना ही होगा कि कपड़ों से इंसान की पहचान होती है, वही हमने भी किया। तेरे आदमियों को मार के उनके कपड़े लिए और अपने आदमियों को वो चीज़ें पहना के कैटलिस्ट में भेज दिया, और गांव वालों को लगा कि तू उन पे जुर्म कर रहा है। पर दोनों तरफ हमारे आदमी थे, हमने मारा भी और हमने बचाया भी। और ये भोली पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चला। क्यों हिला डाला ना? क्या है ना कि ताकत लेने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, चाहे जंग हो या प्यार, कुछ भी। पर तुझे पता नहीं है कि सच्चाई को हराने के लिए भी हजार झूठ कम पड़ जाते हैं। जैसे राम ने रावण को हराया था, इंसान होते हुए भी जादुई शक्तियों को मात दी थी ना, इस बार फिर वही होगा। दयावन, तू लोगों का प्यार ले सकता है, लोगों का भरोसा नहीं। कोशिश करके देख ले, अगर तू जीत गया तो बरमुदा तेरा, और मैं जीत गया तो पहले तो तुझे मारूंगा, फिर वहां भेज दूंगा जहां से तू आया है। तू भी कोशिश कर ले, मैंने तो अपना कारनामा दिखा दिया, तू भी ट्राई कर ले। चल मिलते हैं बाद में, और आप लोग चिंता मत करिए, इस अभिमन्यु से मैं गांव वालों को बचाता ही रहूंगा। सर उसने आपको क्या बताया? हालात बहुत खराब हो चुके हैं, वो हमारे इंसानों पे भरोसा बैठा चुका है। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अभिमन्यु, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इनको भी अपने राजा पे भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। पर सर असली में हुआ क्या है? कोई नहीं, एक सोची समझी चाल चली गई है जो सच को हराने के लिए काफी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इस बरमुदा को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देंगे। इन लोगों का प्यार है और ये लोग भोले लोग हैं, इन्हें जल्दी कुछ समझ नहीं आता।